कहानी है बिट्टी शर्मा नाम की एक लड़की की। बिट्टी अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। वो एक टॉम बॉय टाइप की लड़की है। वो शराब पीती है, सिगरेट पीती है और लड़कों के जैसे ही शौक रखती है। बिट्टी के पापा उससे काफ़ी प्यार करते हैं। दरअसल बिट्टी के पापा बचपन से ही उसे बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है। वो एक लड़की है इसलिए उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया गया। बिट्टी की मम्मी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और बिट्टी के पापा की मिठाई की दुकान है और बिट्टी की ज़िंदगी कुछ ऐसे ही चल रही थी। और अब बिट्टी की शादी की उम्र हो गई थी इसीलिए उसकी माँ उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रही थी। लेकिन जो कोई भी लड़का बिट्टी को देखने आता था हर कोई बिट्टी को नापसंद करके चला जाता था। इसी तरह से एक और लड़का बिट्टी को देखने के लिए आया था और वो लड़का बिट्टी को ये पूछता है कि वो वर्जिन है या नहीं। और ये सवाल बिट्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसे लगता है कि ये लड़का बहुत ही कंजर्वेटिव है और इसके वजह से बिट्टी का ये रिश्ता भी नहीं होता है। बाद में बिट्टी अपने पापा से बात करती है और वो उनसे पूछती है कि आखिर इस समाज में लड़का और लड़की में इतने भेदभाव क्यों किए जाते हैं। कोई चीज़ अगर लड़का करे तो वो सही है और अगर लड़की करे तो वो बहुत ही बुरी बन जाती है और बिट्टी को भी हमेशा सब लोग जज करते हैं। लेकिन बिट्टी के पापा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ये समाज ऐसा ही है लेकिन वो उससे बहुत ही प्यार करते हैं। दूसरी तरफ बिट्टी की माँ इस बात से काफ़ी परेशान हो रही थी कि इतने अच्छे अच्छे रिश्ते भी हाथ से जा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि शायद बिट्टी में ही कुछ कमी है इसीलिए उसका एक भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। और वो कहते हैं कि बिट्टी के ऐसे लड़के जैसे हाव भाव की वजह से ही उसकी शादी नहीं हो रही है और वो ये भी कह देती है कि अगर उनका एक बेटा होता तो ही अच्छा होता। और ये सारी बातें बिट्टी सुन लेती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रात को अपने पेरेंट्स के पास एक लेटर छोड़ के घर से चली जाती है। और फिर बिट्टी रेलवे स्टेशन पहुंचती है और रेलवे स्टेशन में वो जब अपने ट्रेन के लिए वेट कर रही थी तभी वो पास में ही एक बुक स्टॉल देखती है और वहाँ से ही वो एक किताब खरीदती है जिसका नाम है बरेली की बर्फी। और ट्रेन में सफ़र करते वक्त बिट्टी ये किताब पढ़ती है और ये किताब पढ़ के बिट्टी को काफ़ी अच्छा लगता है और उसे लगता है कि इस किताब में बरेली नाम के जिस लड़की के बारे में कहा गया है उसका कैरेक्टर बिल्कुल बिट्टी के साथ मिलता है और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कहानी उसके बारे में ही लिखी गई है। इस किताब की बर्फी नाम की कैरेक्टर भी सिगरेट पीती है, शराब पीती है और बिल्कुल बिट्टी के जैसे ही शौक रखती है और उसके जैसे लड़की को कोई पसंद कर सकता है, कोई प्यार कर सकता है ये बात जानकर बिट्टी बहुत ही हैरान हो जाती है। और इसके बाद बिट्टी घर छोड़कर चले जाने का अपना ये फैसला बदलती है। और दूसरी तरफ सुबह सुबह उठकर जब बिट्टी की माँ उसका लिखा हुआ लेटर पढ़ती है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है और तभी बिट्टी घर वापस आ जाती है। और घर वापस लौटने के बाद बिट्टी अपने बेस्ट फ्रेंड रमा से मिलती है और वो रमा को भी इस किताब के बारे में बताती है। इसके बाद बिट्टी इस किताब के राइटर से मिलने के लिए बहुत ही उतावली होती है और इस किताब के पीछे इस राइटर का फोटो भी था और इस राइटर का नाम था प्रीतम विद्रोही। इसके बाद बिट्टी फिर से उसी बुक स्टॉल में जाती है जहाँ से उसने ये किताब खरीदी थी और वो उस बुक स्टॉल वाले से पूछती है कि अगर वो इस किताब के राइटर से मिलना चाहती है तो कैसे मिल सकती है। उसके बाद वो आदमी बिट्टी से उसका नाम और पता ले लेता है और वो कहता है कि वो इस राइटर के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करेगा और जैसे ही उसे कुछ पता चलेगा वो बिट्टी को ये बात बता देगा। इसके बाद वो आदमी चिराग दुबे नाम के एक लड़के से मिलता है। ये उसका दोस्त है। चिराग दुबे एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। दरअसल बरेली की बर्फी ये किताब चिराग ने ही लिखी थी। कुछ साल पहले चिराग की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था बबली और वो इस लड़की से बहुत ही प्यार करता था और किताब में जो बर्फी नाम की कैरेक्टर थी वो दरअसल बबली ही है। असल में बबली की किसी और जगह पर शादी हो जाती है और इस बात से चिराग काफ़ी दुखी हो जाता है और वो अपने और बबली के प्यार को अमर करने के लिए ही अपनी और बबली की लव स्टोरी
इस किताब में लिखता है और इसका नाम देता है बरेली की बर्फी। लेकिन वो जब इस किताब को प्रिंट करवाने वाला था तो वो एक राइटर के तौर पर इस किताब में अपना नाम नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो सबको ये पता चल जाता कि इस किताब में जिस लड़की के बारे में कहा गया है वो दरअसल बबली है, और चिराग बबली को बदनाम नहीं करना चाहता था। इसीलिए चिराग अपनी एक पुराने फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम है प्रीतम विद्रोही, और वो उससे कहता है कि वो उसके नाम पर ही इस किताब को छापेगा। और प्रीतम जब इस बात के लिए मना कर देता है तो चिराग उसे डराता धमकाता है और जोर जबरदस्ती उससे फोटो खिंचवाता है और इस किताब के साथ उसका नाम और उसकी फोटो भी छाप देता है। इसके बाद जब चिराग को ये पता चलता है कि बिट्टी को उसकी लिखी हुई किताब बहुत ही पसंद आई है और वो इस किताब के राइटर से मिलना चाहती है, तो चिराग उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वो बुक स्टॉल के ओनर बिट्टी को चिराग के प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस दे देता है, और उसके बाद बिट्टी चिराग से मिलने के लिए आती है और चिराग भी बिट्टी से बात करता है और उसे अच्छा लगता है। लेकिन चिराग बिट्टी के सामने ये नहीं कहता है कि दरअसल इस किताब का राइटर वो ही है, वो उल्टा कहता है कि इस किताब के जो राइटर है प्रीतम विद्रोही वो उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो इस वक्त शहर में नहीं है। लेकिन बिट्टी को भी प्रीतम विद्रोही से बात करने का बहुत ही मन था, इसीलिए वो उसके नाम का एक लेटर चिराग के पास देती है और चिराग कहता है कि वो ये लेटर प्रीतम विद्रोही तक पहुंचा देगा। लेकिन इसके बाद चिराग खुद ये लेटर पढ़ता है और इस लेटर के बदले बिट्टी के नाम एक और लेटर लिखता है और खुद ही बिट्टी को जाकर देता है। और बिट्टी को जब ये पता चलता है कि प्रीतम विद्रोही ने उसके लेटर का रिप्लाई दिया है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। और इसी तरह से बिट्टी प्रीतम विद्रोही को लेटर लिखा करती थी और चिराग के हाथों उन तक ये लेटर पहुंचाती थी। और ऐसे ही कुछ दिन चलता जाता है और प्रीतम के लिए लेटर लिखते हुए बिट्टी भी चिराग से मिलने लगती है और चिराग और बिट्टी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और बिट्टी को देखकर चिराग ये समझता है कि बिट्टी बिल्कुल बबली जैसी ही है, और धीरे धीरे चिराग बिट्टी से प्यार करने लगता है। उसे लगता है कि शायद किस्मत ने उसे एक और बार प्यार करने का मौका दिया है और वो इस बार कामयाब जरूर होगा। इसीलिए इसके बाद एक दिन चिराग डिसाइड करता है कि वो जाकर बिट्टी को सारी असलियत बता देगा और कहेगा कि असल में इस किताब का राइटर वो खुद ही है। और फिर जब वो बिट्टी के घर जाता है तब वो बिट्टी के साथ उसके पेरेंट्स की बातें सुन लेता है। दरअसल बिट्टी की माँ बिट्टी को ये समझा रही थी कि जो लड़का किसी लड़की के बारे में ऐसा लिखे कि शराब पीने वाली और सिगरेट पीने वाली लड़की अच्छी होती है, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और ऐसे इंसानों से दूरी रहना चाहिए। और चिराग ये बातें सुनकर समझ जाता है कि बिट्टी के माँ को बरेली की बर्फी किताब और इसका राइटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो बिट्टी से इसके बारे में और कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन इस तरफ बिट्टी का भी प्रीतम विद्रोही से मिलने का बहुत ही मन था, इसीलिए चिराग के दिमाग में एक प्लान आता है और वो बिट्टी को कहता है कि वो जाकर प्रीतम विद्रोही से मिलेगा और बिट्टी से मिलवाने के लिए उसे लेकर आएगा। इसके बाद चिराग लखनऊ चला जाता है। दरअसल इस किताब के पब्लिश होने के बाद प्रीतम ने बरेली छोड़ दिया था और वो लखनऊ में जाकर रहने लगा है। और फिर चिराग प्रीतम से मिलता है और उसे कुछ दिनों के लिए उसके साथ बरेली आने के लिए कहता है और कहता है कि उसे बिट्टी से मिलना पड़ेगा, लेकिन प्रीतम इसके लिए मना कर देता है और इसी वजह से चिराग उसे फिर से डराता धमकाता है और मारता भी है, इसीलिए मजबूरन प्रीतम को उसकी बात माननी ही पड़ती है। दरअसल चिराग ये चाहता था कि प्रीतम जब बिट्टी से मिलेगा तो उससे बहुत ही रूडली बिहेव करे जिससे कि बिट्टी को वो नापसंद आ जाए। और चिराग बिट्टी और प्रीतम को एक रेस्टोरेंट में मिलवाता है और चिराग के कहने के मुताबिक प्रीतम बिट्टी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। और प्रीतम का ये बिहेवियर देखकर बिट्टी बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि प्रीतम विद्रोही एक बहुत ही अच्छे और अलग किस्म के इंसान होंगे, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और प्रीतम को लगता है कि शायद उसका काम खत्म हुआ है,
लेकिन चिराग कहता है कि अभी भी उसका काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसे अभी भी बिट्टी के माँ बाप से मिलना पड़ेगा और उनसे भी ऐसे ही बुरी तरीके से पेश आना पड़ेगा जिससे कि उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और फिर चिराग एक दिन प्रीतम को अपने साथ बिट्टी के घर में लेकर आता है और यहाँ पर आकर प्रीतम बिट्टी के मम्मी और पापा के साथ बुरा बर्ताव करने की जगह उन लोगों की प्रॉब्लम्स क्लियर करता है, इसीलिए वो लोग उसे पसंद करने लगते हैं। और प्रीतम का ये रूप देखकर बिट्टी का भी गुस्सा पिघल जाता है। उसे लगता है कि शायद उस दिन उसने प्रीतम को गलत समझा है, जैसे कि बाकी लोग बिट्टी को गलत समझते हैं, और वो प्रीतम को एक और मौका देती है और उससे घुलने मिलने लगती है। और चिराग देखता है कि उसका प्लान उस पर ही उल्टा पड़ गया है और इसलिए वो काफी गुस्सा भी होता है और वो गुस्से में प्रीतम को बहुत ही टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ बिट्टी के मम्मी पापा को भी प्रीतम बहुत ही पसंद आ जाता है और वो प्रीतम और बिट्टी की शादी के बारे में सोचते हैं। इसके बाद एक दिन बिट्टी, उसकी फ्रेंड रमा, प्रीतम और चिराग एक साथ घूमने निकले थे और प्रीतम को रमा बहुत ही पसंद आ गई थी, इसलिए वो इस दिन मौका देखकर रमा को प्रपोज करता है। लेकिन रमा प्रीतम को कहती है कि वो भी उसे पसंद तो करती है लेकिन वो किसी डिवोर्सी से शादी नहीं कर सकती है। और ये बात जानकर प्रीतम बहुत ही हैरान होता है और उसे पता चलता है कि चिराग ने ही उन सबको ये कहा है कि प्रीतम एक डिवोर्सी है। और इसके बाद प्रीतम चिराग से बात करता है। वो काफ़ी गुस्सा था और वो कहता है कि बिट्टी के साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो रमा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन चिराग की वजह से उसका सारा सपना टूट गया। और चिराग प्रीतम को कहता है बिट्टी की मम्मी पापा उन दोनों की शादी की बात कर रहे थे, इसीलिए उसे ऐसा कहना पड़ा। इसके बाद प्रीतम चिराग को ये कहता है कि उसके लिए उसने बहुत कुछ कर दिया है और चिराग ने कभी भी उसकी इज्जत नहीं किया, उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल ही किया है, इसीलिए अब प्रीतम जो कुछ भी करेगा सिर्फ अपने लिए ही करेगा। और वो चिराग से कहता है कि वो उसके नाक के नीचे से ही बिट्टी से शादी करेगा और उसे यहाँ से लेकर जाएगा। और इसके बाद प्रीतम वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चिराग बिट्टी से बात करता है और उसे समझाता है कि प्रीतम एक अच्छा लड़का नहीं है और उसने उसे यहाँ पर लेकर आकर गलती कर दी है। लेकिन बिट्टी कहती है कि उन लोगों ने प्रीतम को बहुत ही गलत समझा है, वो सिर्फ डिवोर्सी है, ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है और रमा बेवकूफ़ है, इसीलिए उसने प्रीतम का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। और बिट्टी कहती है कि प्रीतम से शादी करने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद बिट्टी और प्रीतम की शादी के लिए उसके माँ बाप भी मान जाते हैं और उन लोगों की शादी तय हो जाती है और चिराग कुछ भी नहीं कर पाता। और देखते ही देखते उन लोगों की सगाई भी पास आ रही थी और उन लोगों की सगाई से पहले चिराग बिट्टी के लिए कुछ लिखता है और वो इसके बाद प्रीतम से मिलने के लिए जाता है और उसके हर गलती के लिए प्रीतम से माफ़ी मांगता है। और बिट्टी के लिए उसने जो लिखा था वो प्रीतम को दे देता है और कहता है कि सगाई के दिन वो अगर बिट्टी को ये पढ़कर सुनाएगा तो बिट्टी को अच्छा लगेगा। प्रीतम भी चिराग को माफ़ कर देता है और अपनी सगाई पे उसे बुलाता है। और इसके बाद प्रीतम और बिट्टी की सगाई के दिन आती है और प्रीतम कहता है कि उसने बिट्टी के लिए कुछ लिखा है लेकिन वो नहीं पढ़ सकता है क्योंकि उसके गले में दर्द है, इसीलिए प्रीतम चिराग को बुलाता है ताकि वो उसकी जगह बिट्टी को ये पढ़ कर सुनाए। और फिर चिराग वो लेटर पढ़ना शुरू करता है और ये सुनकर बिट्टी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और आखिर में ये सामने आता है कि असल में कुछ दिनों पहले ही बिट्टी को ये पता चल चुका था कि चिराग ही बरेली की बर्फी इस किताब की असली राइटर है और प्रीतम ने ही बिट्टी को ये कह दिया था। और इसके बाद प्रीतम और बिट्टी ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था। दरअसल बिट्टी ये जानना चाहती थी कि चिराग सचमुच उससे प्यार करता है या फिर वो सिर्फ चिराग की पहली प्यार बबली की तरह है, इसीलिए उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन बिट्टी को ये समझ में आता है कि चिराग सचमुच उससे प्यार करता है। और फिर बिट्टी चिराग से कहती है कि दरअसल सगाई बिट्टी और प्रीतम की नहीं बल्कि चिराग और बिट्टी की ही होने वाली है।
और ये बात सुनकर चिराग बहुत ही हैरान हो जाता है। और इसके बाद चिराग की बिट्टी के साथ और प्रीतम की रमा के साथ शादी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी बरेली में ही रहने लगते हैं। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।